हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन सुपरवाइजर एग्ज़ाम सोशल वेलफेयर JKSSB का पार्ट 3। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन दोनों में डिस्कस किए। होप आपको वो पसंद आए होंगे। आज हम अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है आपके यूट्यूब पेज के फर्स्ट पेज पर आपको मिल सके। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, माय स्पेस वाज डेवलप्ड इन द ईयर 2003, 5, 6, 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2003 है। इंस्टाग्राम वाज क्रिएटेड बाय केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्लेजर। केविन सिस्ट्रोम, जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स। इसका जो है फर्स्ट इसका है, केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्लेजर। इंस्टाग्राम वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2008, अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2012, अक्टूबर 2014। इसका करेक्ट आंसर है 2010। LinkedIn is a ... photo and video sharing social networking service, business and employment oriented service, freeware and cross platform message and voice, all the above। तो इसका जो है B part, business and employment oriented service। WhatsApp was founded by, तो ये जो हम WhatsApp चलाते हैं आज, इसको किसने फाउंड किया था? Kevin Systrom, Jack Dorsey, Evan Williams, Brian Acton and John Comb। तो इसका जो है last। व्हाट्सएप वॉज फाउंडेड इन कौन सी ईयर में? 2009 में ये बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये हमको याद रखने होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज वॉज फाउंडेड इन, इसका करेक्ट आंसर है 1918-28। ऑप्शन और भी है 20, 30, 25, 19, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है 1828। साथी एक्ट वॉज पास्ट ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, किशाब चंद्र सेन, मिसेज अन्ना बसंत, स्वामी विवेकानंद। इसका जो है राजा राम मोहन राय। वॉज डिस्क्राइब्ड एज मार्टिन ल्यूथर ऑफ हिंदुइज्म, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इसका जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती इन, तो ये कौन से ईयर में फाउंड किया था? 1875, 1895, 1899, 1900। तो 1875 में। गो बैक टू द वेदास वाज मोटो ऑफ राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हाउसिंग। तो राइट टू एजुकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन? तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन कौन सी आर्टिकल में पाए जाते हैं? आर्टिकल 12 to 35 आपको याद रखने हैं। इसके और भी ऑप्शन हैं, 112 to 135, 212 to 35। फर्स्ट इसका जो है करेक्ट आंसर है 12 to 35। विच आर द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वल टू, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको जो है ये फंडामेंटल राइट से ओमिट किया गया, तो अब जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। बट हमको एक चीज़ याद रखनी होगी कि हमारे J&K में ये अभी भी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हमारे J&K का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे J&K में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है अभी भी फंडामेंटल राइट है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है खत्म हो चुका है। ए रिट इशूड बाय द जुडिशरी
inquiring upon the executive to do what it should have done within its stipulated power is called habeas corpus, mandamus, provision, curantur. This is the B part, mandamus. Which provision of fundamental right is directly related to exhibition of children? Article 17, 19, 23, 24. Article 19, correct option. Then next, the articles of Constitution of India which deal with directive principles of state policy are Article 26 to 24, 30 to 45, 36 to 51, or Article 40 to 55. The correct terms option is Article 36 to 51. Panchayat Raj system in India. Panchayat Raj system in India is laid down under fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policy, Election Commission Act. Directive principle of state policy se isko liya gaya hai. Equal pay for equal work has been ensured in Indian Constitution as one of the fundamental rights hai ye. Directive principle of state policy hai, fundamental duty hai ya economic right hai. Directive principle of state policy. The concept of welfare state is included in which part of the Indian Constitution? Preamble of the Constitution, fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties, directive principle of state policy. So the following is not included in the directive principles of state policy. In MSC, kaun sa jo hai jo directive principles of state policy mein nahi include hai. Iska matlab jo hai baki include hai. Prohibition of liquor, ye bhi include hai. Right to work bhi include hai. Equal wage for equal work, ये भी direct to principle policy में, right to information ये नहीं है, तो यही हमारा correct option है, क्योंकि यहाँ पूछा गया which of the following is not included in direct to principle state policy, यानी इसके अंदर कौन नहीं है. Direct to principle state policy is a check which is paid on bank's convenience, who told it? ये हम बाद में discuss करेंगे question, अभी यहाँ इसका थोड़ा सा ये option नहीं है. थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए इसको थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे. देन इन विच आर द फॉलोइंग ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन 1965, 76, 79, 82, 76 इसका करेक्ट आंसर है. The 42nd Amendment Act has incorporated in the Constitution of India in a new chapter on Administration of Indian Territories, Formation of Interstate Councils, Fundamental Duties, none of the above. Fundamental Duties is the correct option. By what term the 10 commandments of 42nd Constitutional Amendment Acts are called? Fundamental Rights, Fundamental Duties, Panchayat Raj Principles, Direct Principles of State Policy. इनको कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज. देन नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स हैज सेड दैट स्टेट इज नोन बाय द राइट इट मेंटेन्स? हेरोल्डस्की, जीएच ग्रीन, बेनी प्रसाद, जॉन लॉक. हेरोल्डस्की इसका करेक्ट ऑप्शन है. ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी नोल्स राइट्स, Rights demand the state. Who has made the statement? Lasky, Barker, Green, Hegel. तो ये Green की statement. Human rights have numerous features. One of them is not the feature. University, nationality, practicability, none of the above. तो nationality जो है इसका correct answer है. Then next, which are the following? Is not social networking. तो इसमें से जो है social networking कौन सा नहीं है? Google, Facebook, Twitter, MySpace. तो बाकी जो है तमाम social networking sites हैं, लेकिन Google जो है ये browser है, ये social networking site नहीं है. Dash is the most popular social network worldwide with the global usage penetration of 22.9% 2017. तो जो सबसे ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग
तो ज़्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है, वो फेसबुक है। स्नैपचैट, ट्विटर, माई स्पेस, व्हाट्सएप भी हैं, लेकिन ये फेसबुक जो है इसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इसके, इसमें जो है सबसे ज़्यादा अकाउंट जो है वो फेसबुक में। डैश इस डिस्कशन और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पब्लिश्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट ऑफन इनफॉर्मल डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज पोस्ट वीलॉग ब्लॉग विकिपीडिया ऑल दीज। तो ब्लॉग इसका करेक्ट आंसर है। ए न्यू स्टडी फ्रॉम न्यू रिसर्च क्लेम्स दैट डैश परसेंटेज ऑफ पीपल गेट देयर न्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया 30, 40, 62, 72 जो है 62% लोग जो है आज सोशल मीडिया से न्यूज़ वगैरह लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ज्योतिषम ज़दाका ए टर्म लिटरली मीनिंग राइटियसनेस बट कॉमनली यूज टू सिग्निफाई चैरिटी लैटिन हेब्रू ग्रीक पर्शियन। तो हेब्रू से करेक्ट आंसर। इस्लाम, इन इस्लाम देर आर मेथड्स ऑफ चैरिटी ज़कात सदका जजिया बोथ हेबी। तो इसमें जो है बोथ हेबी ज़कात और सदके दोनों चैरिटी हैं इस्लाम में। द अर्लीस्ट नॉन डिस्कशन ऑफ चैरिटी एज ए वर्चुअस प्रैक्टिस इन इंडियन टेक्स्ट इज इन ऋग्वेदा सामवेदा यजुर्वेदा अथर्वेदा। तो ऋग्वेदा में इसका डिस्कशन है। एज पर वेस्टर्स इंसाइक्लोपीडिया द डिक्शनरी चैरिटी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज डैश फिलंथ्रॉपी रिलीजियस वर्क कंपेशन सोशल वर्क। तो सोशल वर्क इसका करेक्ट आंसर है। द टर्म फिलंथ्रॉपी इज डैश टर्म विच डायरेक्टली ट्रांसलेटेड मीन्स लव ऑफ मैनकाइंड। तो ये कौन सा है, लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो ये ग्रीक है। देन नेक्स्ट, ऑन जनवरी 26, 1950 विच कंट्री डिक्लेयर्ड एज ए वेलफेयर स्टेट। इंडिया, अमेरिका, श्रीलंका, फ्रांस। इंडिया है इसका करेक्ट आंसर। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज सेट अप इन 1953, 1965, 1950, 1951 इसका करेक्ट आंसर है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द पीपल आर्टिकल 16, 14, 18, 15। तो आर्टिकल 16 इसका करेक्ट आंसर है। वट इज़ द वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ द पीपल इन आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोटेक्ट एससी एंड एसटी फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द पब्लिक एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक एंड एकेडमिक इक्वलिटी बिफोर लॉ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट वेल्थ इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज पॉवर्टी मार्क्स एंगल्स वेबर हेगल। तो मार्क्स इसका जो है करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट, द 19th century reawakening in India was confined to the priestly class, upper middle class, rich peasantry class, urban landlord class. तो upper middle class इसका correct option है। Who among the following was the founder of the servant of Indian society? B.J. Tilak, Dada Bhai Nauroji, G.K. Gokhale, Lala Lajpat Rai. G.K. Gokhale is the correct answer. During the period of the Indian freedom struggle, who among the following started the Central Hindu School? Anay Basant, Bikaji Kamar, M.G. Renade, M.M. Malviya. So Anay Basant is the correct answer. Satyarath Prakash was written by Rajaram Maharaj, Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, Swami Dayana Saraswati. Swami Dayana Saraswati is the correct answer. Who was the founder of Radha Swami Satsang? तो राधा स्वामी सत्संग ये किसने बनाई थी? हरिदास स्वामी, शिवादयाल साहब, शिवा नारायण स्वामी श्रद्धा। तो शिवादयाल साहब इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह जो है आज हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। होप आपको जो है ये 50 क्वेश्चंस भी आपको पसंद आएंगे।
मैंने कोशिश की है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने बहुत सी ये बुक्स वगैरह कंसल्ट की हैं, कुछ उनमें से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट MCQ's हैं उनको मैंने निकाल कर जो है ये 500 की जो ये सीरीज़ है मैं बना रहा हूँ। तो होप आपको जो है ये पसंद आएंगे। आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि आपको जो है हमारा एफर्ट एक कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कहीं कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन तो नहीं आ रहा है, समझ आ रही है। आप प्लीज़ जो है कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे अंदर अगर कहीं कुछ कमियां रही होंगी हम उनको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। और आप प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली जो नई वीडियोज़ है वो आपके फर्स्ट पेज पर आ सके। तो इसमें हम मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का नहीं, बाकी आगे जो है जितने भी JKSSB से रिलेटेड एग्ज़ाम आने वाले होंगे, चाहे वो टीचर्स का एग्ज़ाम हो, इसका जूनियर असिस्टेंट का हो, अकाउंट्स असिस्टेंट का हो, या और बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम्स जो है आ रहे हैं आने वाले होंगे, हम कोशिश करेंगे कि तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं वो हम अपने इस यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकेडमी में जो है उसको अपलोड करेंगे ताकि आपको जो है ऑनलाइन जो है लेक्चर इजीली प्रोवाइड हो सके विदाउट एनी